नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज हम एक ऐसे किले के बारे में बात करेंगे जो राजस्थान में तिमनगढ़ किला करौली के नाम से जाना जाता है। यह जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। यही एक ऐसा किला है जिसकी झील में पारस पत्थर बताया गया है, जिसे अगर कोई भी धातु छू ले तो वह सोने की हो जाती है। तिमनगढ़ किला करौली राजस्थान का एक बहुत ही प्रसिद्ध किला है। इतिहासकारों का मानना है कि यह किला 1100 ईस्वी में बनवाया गया था, जो जल्द ही नष्ट कर दिया गया। इस किले को 1244 ईस्वी में यदुवंशी राजा तिम्पल, जो राजा विजयपाल के वंशज थे, के द्वारा बनवाया गया था। अपने तत्कालीन समय में तिमनगढ़ स्थानीय सत्ता का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। 1196 ईस्वी में यहाँ के राजा तिम्पल को पराजित करके मोहम्मद गोरी और उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था। हालांकि किले को बहुत पहले 300 साल पहले छोड़ दिया गया था और उसके बाद से किसी भी शासक द्वारा इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। इस किले के मुख्य द्वार पर मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है, लेकिन किले के आंतरिक हिस्सों पर यह प्रभाव नहीं दिखता। इसकी दीवारें, मंदिर और बाजार अपने सही रूप में देखे जा सकते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी इस किले में अष्ट धातु की प्राचीन मूर्तियां, मिट्टी की विशाल और छोटी मूर्तियों को मंदिर के नीचे छुपाया गया है। हालांकि लोगों का यह भी कहना है कि चोरों और लुटेरे द्वारा यहाँ बहुत सी चीजों को नुकसान पहुंचाया गया है। यहाँ बने मंदिरों की छतों और स्तंभों पर सुंदर ज्यामितीय और फूल के नमूने किसी भी पर्यटक का मन मोह लेने के लिए काफी हैं। साथ ही यहाँ आने वाले पर्यटक मंदिर के स्तंभों पर अलग अलग देवी देवताओं की तस्वीरों को देख सकते हैं, जो प्राचीन कला का एक बहुत ही बेमिसाल नमूना है। एक किंवदंती के अनुसार यहाँ के लोगों का यह भी मानना है कि आज भी किले के पास स्थित सागर झील में पारस पत्थर है, जिसके स्पर्श से कोई भी धातु सोने की हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, और अगर आप भी जानते हैं किसी ऐसे ही रोचक और रहस्यमय जगह के बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हम उस पर भी रिसर्च कर वीडियो जरूर बनाएंगे। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।